वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है, या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 13 तक का, 1 से लेकर 13 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का और क्वेश्चन नंबर 15 का। एकदम क्या सिंपल है, पहले क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है अक्फा कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एक कंपनी आपका अक्फा कंपनी लिमिटेड, और कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है, 15,000 शेयर्स इशू किया है, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। एट अ प्रीमियम इशू किया है, प्रीमियम कितना है आपका, 2 रुपया। यानी शेयर कैपिटल, कैपिटल का जो पैसा है फेस वैल्यू 10 रुपया, और 2 रुपया किसका है, प्रीमियम का। तो 10 × 2 एक तरह से कितना हो गया, 12 रुपया में क्या किया, इशू किया। अब कैसे कैसे पैसा लेगा वो देखिए। पेबल ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम पर शेयर और एप्लीकेशन। ध्यान समझिएगा, अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया सभी में प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे मिलता था, किस पे, अलॉटमेंट पे। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा किसके साथ लिया जा रहा है, एप्लीकेशन के साथ। किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपया लेना है, जिसमें से 2 रुपया किस का है, प्रीमियम का। तो शेयर कैपिटल ऑन एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1 रुपया। एप्लीकेशन पे टोटल 3 रुपया लेना है, 3 रुपया में 2 रुपया किस का है, प्रीमियम का। तो शेयर कैपिटल का कितना हुआ, 1 रुपया। 2 रुपया प्रीमियम का, 1 रुपया शेयर कैपिटल का, टोटल एप्लीकेशन कितना हो गया, 3 रुपया। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 रुपया किस पे ले रहा है आपका, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, और आपका फाइनल कॉल पे कितना ले रहा है आपका, 4 रुपया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, द शेयर्स वेयर ऑल सब्सक्राइब एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा शेयर्स क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया। यानी 15,000 शेयर्स इशू किया, 15,000 क्या हुआ, सब्सक्राइब हो गया जी, सारा पैसा वगैरह मिल गया। लेकिन एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन ₹2,000 शेयर्स, मतलब 2,000 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ मिला नहीं, तो क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर। ठीक है, एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन रुपीज आपका क्या बोलता है, 2,500 शेयर, यानी 2,500 शेयर्स का फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला। यानी 2,000 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल वाला नहीं मिला, और 2,500 शेयर्स का पैसा फाइनल कॉल के साथ नहीं मिला। ये दोनों क्या हो गया मेरा, कॉल्स इन अरियर। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, गिव द जर्नल एंड कैश बुक। दोनों करना है आपको, जर्नल एंट्रीज पास करना है, जर्नल बनाना है, और साथ में क्या पास करना है आपको, क्या बनाना है, कैश बुक एंट्री टू रिकॉर्ड आवर ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का कॉल्स इन अरियर का अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है ना, तो यहीं पे कोशिश करेंगे लिखने का। तो पहला लिखेंगे कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के साथ कितना कॉल्स इन अरियर हो गया, तो कितना लेना था, नंबर ऑफ शेयर्स था कितना, 2,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपका, 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 2,000। और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना था आपका, फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था, 3 रुपया। तो 2,000 × 3 यानी कॉल्स इन अरियर जो हो गया आपका वो कितना हो गया आपका, 6,000। कॉल्स इन अरियर कितना हो गया आपका, 6,000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड वाला निकाल लीजिए, सेकंड वाला कॉल्स इन अरियर ऑन आपका क्या है, फाइनल कॉल है ना, कॉल्स इन अरियर ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना कॉल्स इन अरियर हो गया वो निकाल लीजिए। तो फाइनल कॉल पे कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, 2,500। कितना था आपका, 2,500। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,500
और गुना फाइनल कॉल पे कितना लेना था, ध्यान से देखिए फाइनल कॉल पे कितना था, चार, तो आपका चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 10,000, कितना हो गया 10,000, 2,500 गुना 4 कितना हो गया 10,000, यानी फर्स्ट कॉल के साथ कॉल्स इन अर्लियर का अमाउंट हो गया 6,000 और आपका फाइनल कॉल के साथ कॉल्स इन अर्लियर का अमाउंट हो गया 10,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल डिस्पैच करेंगे और साथ में कैशबुक बोले बनाएंगे। तो जब कैशबुक बोलेगा ना तो बैंक वाला जो एंट्री है वो कैशबुक में जाएगा। जब कैशबुक बोल देगा क्वेश्चन में बनाने के लिए तो बैंक वाला जो एंट्री है कैशबुक में जाएगा और जो बिना बैंक वाला एंट्री है वो कहाँ जाएगा, जर्नल में। ठीक है जी, तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन नंबर 14, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकबर लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, ये सब लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होगा, अप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक वाला कैशबुक में जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, टू क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और आपका देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 15,000, कितना था 15,000, और आप टोटल कितना लिए, 3 रुपया, 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है ना, तो कितना हो गया 45,000, कितना हो गया 45,000, जिसमें आपका 30,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है और शेयर कैपिटल का कितना है आपका 15,000, टोटल कितना हो गया 45,000। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड वाला एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा लिया जा रहा है। तो देखिए लिखते हैं क्या है, आपका लिखेंगे क्या, शेयर एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट और एप्लीकेशन पे ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो यहीं पे लिख देंगे क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप चाहे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन में कितना हो गया 45,000, तो यहाँ डालिए 45,000। ठीक है, और शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 15,000 गुना एक, और उसके बाद ये कितना था, 2 रुपया था ना, तो 15,000 गुना 2, यानी कितना हो गया आपका 30,000। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आपका ये हुआ एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जिस भी एंट्री में बैंक आपका डेबिट क्रेडिट होगा वो कैशबुक में जाएगा और जिस एंट्री में बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं होगा उसका एंट्री जर्नल में कर देंगे। ठीक है जी, अब थर्ड वाला एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी में होगा ना, क्या होगा जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा मेरा, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये क्या हुआ अलॉटमेंट मनी ड्यू का, आप चाहे तो नरेशन में लिखते चलिएगा, बींग आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू आप लिखते चलिएगा, तो आपका क्या हुआ अलॉटमेंट मनी ड्यू का कितना हुआ, तो 15,000 था ना, और अलॉटमेंट पे कितना दे रहा था, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, तो 15,000 गुना 2 यानी कितना हो गया आपका 30,000, तो यहाँ पर हो गया 30,000 और यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा 30,000, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक वाला कहाँ लिखेंगे, कैशबुक में, बैंक वाला कहाँ लिखेंगे कैशबुक में, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना जाएगा आपका 30,000, कितना जाएगा 30,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो लिखिए यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, किस चीज़ का एंट्री हुआ, ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री हुआ, तो फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था 3 रुपया, तो 15,000 गुना 3 कितना हो गया 45,000, कितना हो गया आपका 45,000,
तो यहाँ पे लिखेंगे 45,000 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 45,000। ठीक है जी, अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेगा, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ क्या है, कॉल सिनेरियर, टोटल आप कितना मांगे हैं 45,000, 45,000 में 6,000 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा आपका 39,000, 45,000 में 6,000 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा 39,000। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, सब कुछ आपके सामने बना के दिखाएंगे, टाइम लगेगा ही लगेगा, सीखना है तो थोड़ा पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। 45,000 मांगा, 6,000 नहीं मिला तो कितना मिलेगा 39,000, कितना मिलेगा 39,000। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल मनी ड्यू करेगा, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा जी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट लिखिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया आपका, देख लीजिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, वो नरेशन लिख दीजिएगा। तो 15,000 था और फाइनल कॉल पे कितना लेना था 4 रुपया, तो 15,000 गुना 4 कितना हो जाएगा 60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 60,000, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेगा तो मांगा कितना है 60,000, 60,000 में 10,000 क्या हो गया, कॉल सीन अर्यर, तो आपका 60 में 10 माइनस होगा तो फाइनल कितना आएगा 50,000, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो क्या लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना 50,000, कितना 50,000, मांगा 60, 10 अरियर हो गया, मिला कितना 50। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। एक बार फिर से बोल दें, जब आपका कैशबुक देगा तो बैंक वाला एंट्री कैशबुक में और बिना बैंक वाला जर्नल में। ठीक है जी, अब क्या कर लीजिए, फाइनली इसको सीडीबीडी कर दीजिए जी। देखिए कैशबुक में और भी कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, वो भी सब चाहे तो आप लिख सकते हैं, जगह कम था तो मैंने इतना ही लिखा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, पहले टोटल कीजिए कितना हो गया 45,000, 30,000, 39,000 और 50,000, 164,000, 164,000, तो यहाँ पर लिखिए 164,000, 164,000, 164,000। अब इसको क्या कर दीजिए जी, इसको क्या कर दीजिए, CDBD कर दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, कितना हो जाएगा आपका 164,000, CD है तो साथ में BD भी कर दीजिए, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना 164,000। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हो गया। अब जर्नल का भी टोटल कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जर्नल का भी टोटल कर दीजिए, कितना हो गया 45,000, फिर हो गया आपका 30,000, फिर हो गया 45,000 और फिर कितना हो गया आपका 60,000, 180,000। तो जर्नल का टोटल भी कर दिए तो कितना हो गया 180,000, ये भी कितना हो जाएगा 180,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 15, एकदम सिंपल है। देखिए बोलता है हर्षा लिमिटेड इशूड 6,000 शेयर्स ऑफ ₹10, मतलब एक कंपनी है हर्षा लिमिटेड जो 6,000 शेयर्स क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 10, पेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹ कितना 3 रुपीज पर शेयर, ये भी प्रीमियम के साथ इशू कर रहा है और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 3 रुपया, तो 3 रुपया प्रीमियम का अमाउंट और शेयर कैपिटल का कितना है आपका 10 रुपया, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। ठीक है जी, और देखिए पैसा कैसे ले रहा है, इंस्टॉलमेंट्स वेयर फिक्स्ड एज अंडर, 3 रुपया एप्लीकेशन पे,
₹3 किस पे ले रहा है? एप्लीकेशन पे, लेकिन बोलता है इंक्लूडिंग ₹1 फॉर प्रीमियम, यानी एप्लीकेशन पे ₹3 लेगा, जिसमें ₹1 प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? ₹2। तो शेयर कैपिटल का ₹2, ₹1 प्रीमियम, टोटल एप्लीकेशन कितना हो गया? ₹3। उसके बाद बोलता क्या है, ऑन अलॉटमेंट पे भी कितना ले रहा है? ₹3। इसमें भी बोलता है इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, मतलब टोटल जो प्रीमियम कितने का था आपका? ₹3 का था। टोटल प्रीमियम कितने का था? ₹3 का था। तो एप्लीकेशन पे ₹1 ले रहा है, अलॉटमेंट पे भी ₹1 ले रहा है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ₹1 ले रहा है। मतलब जो प्रीमियम का पैसा है वो एक बार में नहीं ले रहा है, एप्लीकेशन के साथ भी लेगा, अलॉटमेंट के साथ भी लेगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी लेगा, ₹1। तो आपका ₹3, ₹1, तो आपका 3 हो जाएगा, तो ₹3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? उसके बाद बोलता है, देखिए उसके बाद बोलता है आपका ₹7 ले रहा है, किसके साथ? आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, वही आ गया ना। मतलब ₹3 प्रीमियम का है, एप्लीकेशन के साथ ₹1, अलॉटमेंट के साथ ₹1, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी ₹1, ठीक है, तीनों के साथ ₹1 प्रीमियम का पैसा लिया जा रहा है। अभी तक क्या था, या तो एप्लीकेशन पे लेता था या तो अलॉटमेंट पे, एक बार में लेता था, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ लिया जा रहा है, ₹1 तीनों के साथ। अब देखिए यहाँ पे बोलता क्या है, ऑल द अमाउंट्स वेयर रिसीव्ड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल चुका है, प्रिपेयर कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनीज, मतलब आपको कैश अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्रीज वगैरह करना नहीं है, तो हम बस उसी एंट्री पे फोकस रखेंगे जिस पे बैंक अकाउंट या तो डेबिट हुआ या तो क्रेडिट हुआ है, बाकी वैसा एंट्री इसमें बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ है उससे हमको इस क्वेश्चन में मतलब नहीं है। तो देखिए लिखा क्या है, इन द बुक्स ऑफ हर्षा लिमिटेड कैश अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट और भी कॉलम्स होते हैं, डेट पार्टिकुलर्स, आपका जेएफ अमाउंट, तो सब लिखा नहीं है, जगह का कमी है। तो देखिए सबसे पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहला ही ना होता है एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 6000 है ना, 6000, और एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है आपका, ₹3, एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है आपका, ₹3, देखिए अंडर, हाँ ₹3, तो 6000 × 3 टोटल पैसा कितना जाएगा आपका, 18000, कितना जाएगा, 18000, बात समझे ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 6000, और एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है ₹3, ₹2 है आपका शेयर कैपिटल का, ₹1 प्रीमियम का, ₹3, तो 3 × 6000 कितना आ गया, 18000। अब सेकंड एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसका अमाउंट भर देंगे, तो उस एंट्री से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या बनाना है, कैश अकाउंट। अब थर्ड वाला एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू का होगा एंट्री, तो आपका शेयर, आपका अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो भी एंट्री से हमको मतलब नहीं है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तब एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर भी देखिए कितना है, नंबर ऑफ शेयर 6000 है, और अलॉटमेंट पर भी कितना लेना, 3, तो 6000 × 3 हो गया 18000 ही होगा, कितना होगा आपका, 18000, ठीक है जी। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिए, अब क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उस एंट्री से इसमें पोस्टिंग नहीं होगा। छठा एंट्री बैंक वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है जी। तो आपका कितना था नंबर ऑफ शेयर, 6000 और गुना कितना है 7, 6000 गुना कितना है 7, तो 42, 42000 कितना हो जाएगा, 42000। बस मैंने बैंक वाला ही क्या किया है आपका किया है, तो इस तरह से बस बन गया, सिंपल सा है। अब CDBD कर देंगे, अब क्या कर देंगे इसका CDBD, क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो करना नहीं है, तो बाकी जो 3 एंट्रीज है उससे हमको किसी तरह का कोई भी मतलब नहीं है। तो हो गया 18 × 36000 हो गया, और हो गया 42000, 78000 कितना हो गया मेरा, 78000, यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखिए 78000, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, बाई बैलेंस CD, क्या लिखिएगा, बाई
बैलेंस सीडी कितना 78,000, और सीडी है ना तो कोई भी रियल अकाउंट रहेगा तो बीडी कर दीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो टू बैलेंस बीटी तो कितना हो गया 78,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, एकदम क्या था, सिंपल था। इसका भी क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और जितने क्वेश्चन हैं बहुत जल्द उसका सोल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।